बात, मेरा नाम हर्षवर्धन है, मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल भिंडमाल है। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो संज्ञा पर है। संज्ञा क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, वो आज हम जानेंगे। संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति वस्तु गुण व दशा के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे नाम, पुस्तक, भरतपुर, गर्मी आदि, ये सब संज्ञा में आते हैं। और अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। हम पढ़ेंगे पहला जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी एक व्यक्ति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, भारत, गंगा, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। और दूसरा जो है हमारा वो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो किसी एक ही प्रकार की जाति का बोध कराए उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, पर्वत, लड़का, ये सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। और अब हम पढ़ेंगे तीसरा है जो भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा जिस शब्द में भाव, अवस्था, गुण, दोष व धर्म का भाव हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध, दया, खुश, ये सब भाववाचक संज्ञा में आते हैं। और जो चौथा है वो समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा जिन शब्दों में समूह का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, सेना, कक्षा, ये सब समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। और जो हमारा पांचवा जो है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जो नापतोल वाली शब्द का, वस्तु का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, गेहूँ, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था संज्ञा पर वो आज समाप्त हो चुका है। और धन्यवाद।